जन औषधि परियोजना दिनों दिन निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उसके अंदर पिछले जो करीब 5.5 महीने का समय, 6 महीने यानी 2 क्वार्टर जैसे फाइनेंशियल ईयर के वर्ड्स में हम बात करें, तो उससे पहले ही हमने लगभग 500 करोड़ का टारगेट अपना पूरा किया है। तो उस संदर्भ में हमने सोचा कि एक सभी को ये जानकारी दी जाए कि अच्छी सेल्स हुई है, अच्छी इसकी एक्सेप्टेंस है, दवाओं की समुचित व्यवस्था बन पाई है, उपलब्ध हो पाई हैं दवाइयाँ। तो पहला विषय तो यही था कि जन औषधि परियोजना ने वर्ष 2022-23 में लगभग प्रति महीने 100 करोड़ रुपए की सेल्स का टारगेट अचीव किया है, जो कि एक लॉडेबल एफर्ट है। पूरी टीम ने इसमें प्रयास किया और पूरे देश को जो दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध कराई, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा विषय एक छोटा सा एक लॉन्च का है, एक नई दवाई सिटाग्लिप्टिन और उसके कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि शुगर की से रिलेटेड दवाई है। डायबिटिक पेशेंट्स को ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है और अभी तक ये पेटेंट के दायरे में थी। पेटेंट के दायरे से बाहर आने पर इसमें इसके 4 वेरिएंट्स के रूप में, जो कि लगभग 200-250 रुपए की इसकी स्ट्रिप आती है बाज़ार में सामान्यतः, उसको काफ़ी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि परियोजना के दायरे में उसको हम लेकर आए हैं। और आज के बाद फिर ये दवाई हमारे स्टोर्स के ऊपर भी अवेलेबल होगी पूरे देश में। तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इससे काफ़ी बचत करने का मौका मिलेगा। दूसरा विषय ये है, तो हम इसको जो 4 दवाइयां हैं मैं उनका नाम बता देता हूं और उसके बाद हम ये इसका एक सैंपल बॉक्स का वो है उसको लॉन्च भी कर देंगे। हमारे साथ आज हमारे पूरे देश के 39 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। कई केंद्र संचालक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं। और आप लोग जो अच्छी संख्या में आप लोगों ने आकर हमें कृतार्थ किया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। आपका पुनः 4 मुख्य दवाइयाँ हम इसमें लॉन्च कर रहे हैं, वो उसका एक ये पोस्टर बनाया गया है जो कि सब जगह पर उपलब्ध कराया जाएगा दुकानों पर। इसमें सिटाग्लिप्टिन 50 mg, सिटाग्लिप्टिन 100 mg, सिटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन 50 500 mg और सिटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन 50 1000 mg, ये दोनों बाद वाली कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं और पहले वाली दोनों सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट के 2 डिफरेंट स्ट्रेंथ के अंदर जो उसकी दवाइयां होती हैं वो है। ये दवाइयां अभी तक पेटेंटेड थी तो काफ़ी कीमत ज़्यादा होती है, जैसा कि आप जानते हैं। जन औषधि परियोजना प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी इसको निरंतर रूप में देखते हैं, हमें गाइड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारी दवाइयाँ बहुत ही उच्च क्वालिटी की हों। हर दवाई को WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर या कंपनी से ही बनवाया जाता है और हर बैच को दोबारा हमारे यहाँ रिसीव होने के बाद हम टेस्ट करवाते हैं कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल जो स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्टैंडर्ड, उसके अनुसार वो है कि नहीं। तो ये दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए सभी दवाइयों को जब हम नई दवाइयों को शामिल करते हैं तो उस पर और ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो नई दवाई आई है वो उसी प्रकार से अपनी जो उसकी क्वालिटी है वो बरकरार रहे। पूरा जो सर क्या कारण है कि महंगी दवाइयाँ अक्सर जन औषधि केंद्र पर नहीं मिलती हैं, जैसे सांस की दवाइयाँ कई दुकानों पर देखी गई हैं वो वहाँ नहीं मिलती है, क्या ये अलग से बेच देते हैं या इनके पास होती ही नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा आपको मैं प्रक्रिया बताऊं जी। हर दुकानदार उसका जहाँ लोकेशन है उसके अनुसार उसकी एक असेसमेंट उसका खुद का होता है कि कौन सी दवाइयों की वहाँ डिमांड है, वो उस हिसाब से ऑर्डर करता है तो वो वहाँ मिल जाएंगे। आपको यदि कोई दवाई चेक करनी है कि हमारी बास्केट में है कि नहीं, हमारे सिस्टम में है कि नहीं, तो हमारी वेबसाइट पर पहले चेक कर लीजिए या सुगम ऐप में भी चेक कर लीजिए। वो हो सकता है एक पर्टिकुलर दुकान पर उपलब्ध ना हो, लेकिन हर शहर के कुछ स्टोर्स हैं जो काफ़ी दवाइयाँ रखते हैं, बड़ा स्टोर होता है वहाँ मिल जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि महंगी और सस्ती, हम सभी क्षेत्र की सभी बीमारियों से संबंधित दवाइयाँ रखते हैं, इसीलिए ये नंबर इतना बड़ा है। ये 1800 या 1600 दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसीलिए हैं कि इसमें सारे एंटी इन्फेक्टिव हैं, इसमें एंटी पायरेटिक्स हैं, आपके कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हैं, किडनी से रिलेटेड नेफ्रोलॉजी की सब मेडिसिन, तो बहुत दवाइयाँ, विटामिन हैं बहुत प्रकार के, सभी दवाइयाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू।